डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्लास नाइन्थ के लिए सब्जेक्ट साइंस को। ठीक है, तो नाइन्थ क्लास के लिए हम लोग साइंस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। तो नाइन्थ क्लास में जो हम लोग सब्जेक्ट साइंस में पढ़ रहे थे, पिछले दिन हम लोग द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को पढ़ रहे थे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर को पढ़ना। फर्स्ट चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आस पास के पदार्थ, हमारे आस पास के मैटर। अब हमारे आस पास के जो मैटर होते हैं, आप देखते होंगे हमेशा आस पास के पदार्थों को, चाहे किसी आदमी को टहलते हुए, किसी भी चीज़ को देखते होंगे। ठीक है, आप आसपास के पदार्थ को देखते होंगे, कहीं भी कूड़ा कचरा जमा हुआ रहता है, या फिर कहीं ना कहीं रिएक्शन प्रोसेस को आप देखते रहते हैं। जैसे आप अपने जीवन में दूध से दही बनते हुए भी देखा होगा, है ना। तो ये सब सारा आप मैटर्स में आते हैं और ये सब सारे मैटर्स को आपने देखा है। हम लोग वही चैप्टर को पढ़ने वाले हैं कि हमारे आस पास के जो मैटर होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डीपली नॉलेज हम लोग लेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं क्लास नाइन्थ के लिए फिजिक्स भी हम लोगों को है और केमिस्ट्री भी है और बायोलॉजी भी है। जो NCERT बुक्स में दिया हुआ है ना, वो तीनों का तीनों एक में ही दिया है। फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी। तो हम लोगों को यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर जो दिख रहा है मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये मैटर इन आवर सराउंडिंग में आप देख पा रहे होंगे चीज़ों को। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि मैटर का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है, उसमें क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं मैटर्स में, यानी कि मैटर्स किससे बने होते हैं। ये पहला सवाल हो जाता है कि मैटर जो है वो क्या है, ये किससे बने होते हैं, मैटर हम किसको बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं मैटर्स के बारे में। तो टॉपिक लेंगे हम लोग मैटर्स, पदार्थ, कि आखिर ये मैटर्स क्या होते हैं। फर्स्ट अरु देंगे, लिखेंगे इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल का मतलब होता है बहुत छोटा। ठीक है, टीनी पार्टिकल। तो सबसे पहला बात कि मैटर्स क्या होते हैं, मैटर किसको कहते हैं। तो मैटर वह कहलाता है जो बहुत टीनी पार्टिकल से बने होते हैं, बहुत छोटा से छोटा पार्टिकल से बने हुए होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं दोस्त मैटर। उसको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट एरो देते हैं, लिखा जाए नेक्स्ट एरो देकर मैटर में ही लिखेंगे वी कंक्लूड। कंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना। कंक्लूड का स्पेलिंग CONCLUDE, कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी, कंक्लूड that there must be, million of teeny particles in just one crystal of potassium permanganate। ध्यान दीजिए, यहां पे लिख रहे हैं पोटेशियम परमैग्नेट, पोटेशियम परमैग्नेट। ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट विच कीप ऑन डिवाइडिंग
देम सेल्व्स इंटू अ स्मॉलर एंड अ स्मॉलर पार्टिकल, देम सेल्व्स इंटू इंटू अ स्मॉलर एंड अ स्मॉलर पार्टिकल्स, अ स्मॉलर एंड अ स्मॉलर पार्टिकल्स। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखें कि हम लोग यह बोल सकते हैं, यह कंक्लूड को शामिल कर सकते हैं कि मिलियन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट का मिलियन टुकड़ा एकदम छोटा 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 कर दिया जाए, यानी कि बिल्कुल टीनी पार्टिकल्स इसको कहते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट का एकदम छोटा छोटा पार्ट्स करके मिलियन पार्ट्स से एक आप समझ सकते हैं मैटर बनता है, यानी कि एक मैटर को बनने में कितना डिवाइडिंग पार्टिकल्स बनता है, तो आपको मिलियन ऑफ इन जस्ट पोटेशियम ऑन देम सेल्फ इंटू डिवाइडिंग स्मॉल, यानी कि जब पोटेशियम पर मैग्नेट को जब मिलियन पार्ट में अगर आप इसको तोड़ देते हैं एकदम छोटा छोटा टीनी पार्टिकल्स में, तो वो सब सारा टीनी पार्ट्स पार्टिकल्स को हम लोग कहते हैं मैटर। यानी आप समझ सकते हैं कि इतना टीनी पार्टिकल्स की हम लोग विदाउट माइक्रोस्कोप हम लोग नहीं देख सकते हैं, यानी कि बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से हम लोग उसको देख नहीं सकते हैं, इतना टीनी पार्टिकल्स में हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, यानी कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि कंक्लूड मिलियन ऑफ इनजस्ट पोटेशियम पर मैग्नेट देमसेल्फ्स इंटू अ स्मॉलर एंड अ स्मॉलर पार्टिकल्स, यानी कि जब छोटा से छोटा जो पार्टिकल्स है, ठीक है, छोटा से जो छोटा पार्टिकल्स है उसको हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट के मिलियंस टुकड़ा करेंगे, मिलियन टुकड़ा करेंगे, तब पर भी क्या होगा हम लोगों को, वो मैटर्स का निर्माण होगा, यानी कि मिलियन पार्टिकल्स को हम लोग सिंपली हम लोग क्या बोल देते हैं, मैटर्स। फिर अगर नेक्स्ट एरो देख का बात करें तो लिखेंगे नेक्स्ट एरो, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव पार्टिकल ऑफ मैटर हैव पार्टिकल ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, अ स्पेस बिटवीन देम। दोस्तों जी हाँ, आपको समझना चाहिए कि पार्टिकल्स के बीच में अ स्पेस भी होता है, यानी कि जो मैटर बनते हैं वो तो पार्टिकल से बनते हैं, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल्स हैं इन पार्टिकल्स के बीच में अ स्पेस होता है, जगह होता है, इसीलिए तो दोस्त जैसे हम लोग शुगर को पानी में वाटर में डालते हैं तो क्यों डिजॉल्व हो जाता है, क्यों घुल जाता है, क्योंकि शुगर के लिए वाटर में खाली जगह है, ठीक है। आप समझो ऐसे कि शुगर जो है वाटर में घुल क्यों जाता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को हम समझे कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटिकल्स मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं ना आपस में स्पेस रखते हैं, कुछ जगह रखते हैं, ठीक है। वो जगह जो रखते हैं इसीलिए कोई भी शुगर को हम लोग अगर वाटर में घोलते हैं, या फिर आप देख पा रहे होंगे साल्ट को भी, नमक को भी आप क्या करते हैं वाटर में घोल देते हैं, क्यों, क्योंकि वाटर में खाली जगह है किसके लिए, सॉल्ट के लिए। लेकिन यही सॉल्ट के जगह पे आप बालू सैंड को घोलिए तो सैंड के लिए वाटर में कोई जगह नहीं है, ठीक है, इसीलिए वह नहीं घुल पाता है, यानी कि सैंड के लिए वाटर में स्पेस नहीं है, इसीलिए वो कहाँ बैठ जाता है, अंदर बैठ जाता है। तो हम यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि किसी भी पार्टिकल का मैटर जो है, मैटर का पार्टिकल जो है उसमें स्पेस रहते हैं, स्पेस मतलब खाली जगह, कुछ खाली स्थान होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग इसका एग्जांपल इसके नीचे लिख देंगे, एग्जांपल में शुगर कॉमा साल्ट, शुगर कॉमा साल्ट कॉमा पोटेशियम परमैंगनेट ऊपर लिखवाए हैं ना हम,
पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट डिजॉल्व इन वाटर, डिजॉल्व इन वाटर। चलिए तो एग्जाम्पल के तौर पे जो अभी हम बताए ना, समझाए ना, वही चीज़ें हैं कि मैटर के पार्टिकल्स में स्पेस रहते हैं, इसी के वजह से शुगर या साल्ट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। डिजॉल्व मतलब घुल जाते हैं, ठीक है। चलिए तो उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे पार्टिकल, पार्टिकल ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली मूविंग, आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं ना, वो हमेशा क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, हमेशा मुड़ते रहते हैं, हमेशा मूविंग करते रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं, ठीक है। तो याद रहे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं उनके बीच स्पेस होता है, ठीक है, इसीलिए शुगर साल्ट जो होता है ना वो वाटर में डिजॉल्व होता है। फिर क्या लिखें कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं ना वो कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं, यानी कि कंटिन्यूअसली का मतलब कि वो लगातार क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते रहते हैं। कभी भी पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो रेस्ट में नहीं होते, आराम नहीं करते रहते हैं, कोई भी पार्टिकल्स जो होते हैं ना मैटर के वो हमेशा मूविंग होते हैं, ठीक है। चलिए फिर लिखा जाए नेक्स्ट एरो, एज द टेम्परेचर राइजेस, एज द टेम्परेचर, टेम्परेचर राइजेज, राइजेज का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है, यानी बोला गया कि टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, किसमें, जहाँ पे मैटर है ना उसका अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए, तो यहाँ लिखेंगे एज द टेम्परेचर राइजेज पार्टिकल मूव्स फास्टर, पार्टिकल, पार्टिकल मूव फास्टर, पार्टिकल मूव फास्टर, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि अगर किसी भी टेम्परेचर को राइजेज किया जाए यानी कि बढ़ाया जाए तो पार्टिकल क्या होंगे, वो ज़्यादा फास्टली मूव करेंगे, ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे, ठीक है। अब रहा बात कि अगर मान लिया कि वाटर ही है, अब वाटर को आप बॉयल करो, तो जब वाटर को आप बॉयल करेंगे तो वाटर में जो पार्टिकल्स होंगे ना वो ज़्यादा तेज़ी से आपस में मूवमेंट करेंगे, और ज़्यादा आपस में मूवमेंट करेंगे ना तो वो वेपर बनकर, वाष्प बनकर, आप देखते होंगे जब भी आपके यहाँ भोजन पकता होगा, चावल बनता होगा, तो उसके ढक्कन पे क्या आ जाता है, बारिश, बारिश की बूंदे जैसी, यानी कि पानी का बूंद आ जाता है, यानी कि वो वेपराइजेशन के माध्यम से, और उस वेपराइजेशन में पार्टिकल्स इतना मूव किया, इतना फास्ट हो गया कि डायरेक्ट उसके तल ऊपर तक के पहुंच गया, ठीक है। तो हम लोग क्या सीखे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर यानी कि मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो टेम्परेचर बढ़ाने पर वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं। हम लोग तो ये सीखे ही सीखे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं ना कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं, मूविंग करते रहते हैं, यानी कि जैसे हवा में बहुत सारे धूल कण या गैसें हमेशा चलते रहती है, चलते रहती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको समझना चाहिए कि अगर उसमें टेम्परेचर दिया जाए, यानी कि और टेम्परेचर दिया जाए, तो वो क्या करेगा और ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा, उसके इसी में लिखेंगे पार्टिकल मूव फास्टर, ठीक है। फिर लिखिएगा उसके नीचे सो कॉमा वी इंक्रीज टेम्परेचर, वी इंक्रीज, इंक्रीज का स्पेलिंग आता होगा ना, इंक्रीज का मतलब ही होता है बढ़ाना, राइजेज का मतलब ही बढ़ाना, वी इंक्रीजेज टेम्परेचर, वी इंक्रीज टेम्परेचर देन, वी इंक्रीज टेम्परेचर देन आल्सो इंक्रीज,
आल्सो इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आल्सो इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। देखिए एक नया चीज़ और केमिस्ट्री में हम लोग को पढ़ने को मिला, ये तो अभी सीखेगी कि अगर किसी भी पार्टिकल के, मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं उनको अगर टेम्परेचर दिया जाए ना, वो और ज़्यादा फास्टली मूव करेंगे। लेकिन एक और चीज़ हम लोग देखें कि अगर उसका टेम्परेचर को राइज किया जाएगा ना, तो पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। बिल्कुल सही, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, मूवमेंट वाला एनर्जी, यानी कि मूव करने की शक्ति, मूव करने की ऊर्जा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्यों, क्योंकि इसमें टेम्परेचर देते हैं तो उसका वैल्यू जो होता है बढ़ जाता है, मूवमेंट करने की क्षमता जो होती है बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में लिखा जाए, नेक्स्ट एरो देंगे, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखें कि मैटर के जो पार्टिकल है ना, एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट का मतलब खींचना, अट्रैक्ट का मतलब होता है खींचता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो पार्टिकल होते हैं ना, पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के जो पार्टिकल होते हैं ना, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट का मतलब एक दूसरे को खींचते हैं अपनी ओर, ठीक है। चलिए तो ये सब सारा जो हम लोगों का अभी डिस्कस कर रहे थे मैटर के बारे में, ठीक है। अब मैटर के बारे में सभी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा कि मैटर क्या होते हैं, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मैटर के बीच में कुछ स्पेस होता है, ठीक है, मैटर हमेशा कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं, और दूसरी बात कि मैटर जो होते हैं ना हम लोगों का वो डिजॉल्विंग होते हैं, यानी कि स्पेस होता है, इसीलिए जो है ना वो डिजॉल्व करते हैं। या फिर हम लोग पढ़े कि कंटिन्यूसली मूविंग, और टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो ज़्यादा फास्ट काम करते हैं, ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं। अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी मूव होगा, मतलब इंक्रीज होगा। तो इस सब सारे बातों को हम लोगों ने पढ़ा। अब अगला जो है हम लोगों का, अब जानते हैं कि एनसीईआरटी के बुक में क्वेश्चन के तौर पे, यानी कि बीच बीच में भी क्वेश्चंस रहता है, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चंस के तौर पे लिखा हुआ है कि कौन सा मैटर है या नहीं है। तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को खुद से ट्राई कीजिएगा, लिखा हुआ है ना कि दिया गया मैटर में कौन मैटर है, यानी कि दिया गया जैसे कि चेयर है, एयर है, लव है, स्मेल है, हेट है, आलमंड्स है, थाउट है, कोल्ड ड्रिंक है, लेमन वाटर है, स्मेल और परफ्यूम है। तो इसमें से ना आपको छांटना है कि कौन मैटर है। तो मैटर का प्रॉपर्टीज़ देख लीजिएगा कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मैनी पार्टिकल से बने होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, और उनके बीच स्पेस होता है, अगर वो हमेशा कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं, और दूसरी बात कि इसमें टेम्परेचर देते हैं तो ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं, है ना। तो ये सब सारा, और एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। तो ये सब मैटर का क्या हुआ, प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम लोगों ने पढ़ा। तो आप एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है ना, उसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा पहला का बनाने का, ठीक है। तो अगर नहीं बनेगा तो फिर हम अगले क्लास में इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए दोस्त इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।